साइबर अपराध थाने के 2 साल पूरा होने पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने गोरखपुर के साइबर थाने पर किया निरीक्षण और अपने मातहतों का बढ़ाया हौसला और थाने के सिपाहियों से काफ़ी देर तक बातचीत की और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते रहे कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, और ये भी बताया कि यहाँ पर जो भी फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। डीआईजी लगभग 15 से 20 मिनट तक थाने में रहे और यहाँ के कामकाज से वे काफ़ी प्रसन्न भी दिखे। पिछले लगभग 2 साल में इस साइबर थाने के द्वारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिकवरी भी कराई जा चुकी है। साइबर थाना पहले से ज़्यादा हाईटेक हो चुका है और दिन प्रतिदिन हाईटेक होता जा रहा है। साथ ही साथ साइबर अपराध थाना गोरखपुर पर नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न टीम बनाकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग स्थान के साथ हर वर्ग समूह के लोगों को साइबर अपराध से जागरूक किया जा रहा है। विगत वर्षों में मुख्य रूप से हो रहे साइबर अपराध जिनसे आम जनमानस को सचेत एवं सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं साइबर थाना गोरखपुर प्रक्षेत्र में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी हैं और यहाँ पे सारे लोग अपराध को रोकने के लिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सारे लोग काम कर रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अपराध को रोका जा सकता है। और आज साइबर यहाँ पे 2 साल पूरा हो गया है, तो आप देख सकते हैं पूरा वेल मेंटेन भी हो चुका है। 2 साल पूरा हो गया है और 2 साल में आप देख सकते हैं साइबर थाना कितना डेवलप हो गया है और 2 साल में कितने पैसे की रिकवरी भी की गई है। आइए हम बात करते हैं। सर ये बताइए, आज 2 साल पूरा हो गया और पहले की अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, और नियर अबाउट 2 साल में कितने पैसे की रिकवरी हुई और क्या पब्लिक पहले के ही तरह से ज़्यादा आ रही है, क्या इस समय आप लोग इतना पब्लिक को जागरूक कर दिए हैं कि अब पब्लिक कम आ रही है? देखिए, पहले तो 2 साल में लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ से अधिक की रिकवरी करा रखी है, और जहाँ तक अपराध होने का सवाल है, जो पब्लिक पहले से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पब्लिक को पहले साइबर थाना खुला है इसके बारे में भी पता नहीं था, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अपनी शिकायत को कहाँ दर्ज करा सकते हैं, तो पब्लिक का आना बिल्कुल जारी है। और हम लोग अवेयरनेस कराते हैं डेली बेसिस पे स्कूल कॉलेज में जाके, तो अपराध करने का जो तरीका है वो तरीकों में कमी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहें तो जो ATM क्लोनिंग वाले केसेस थे वो थोड़े बहुत कम हो गए हैं, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो अपराध थे, कई बार पहले आते थे कि लड़कियां परेशान होती थी, उनके कुछ पर्सनल फोटोज़ वगैरह शेयर किए जाते थे, उसमें स्कूल कॉलेजेस के लड़कियों का थोड़ा सा उसमें जो क्राइम का ग्राफ नीचे उतरा है, लड़कियां अवेयर हुई हैं उनको कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है शिकायत दर्ज कराने के लिए। और चूँकि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल जो है www.cybercrime.gov.in पोर्टल खुल जाने से और लोग अवेयर होने की वजह से थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं। ये बताइए, जो पब्लिक आ रही है यहाँ पे, तो क्या सिर्फ लोकल गोरखपुर की पब्लिक आ रही है या गोरखपुर से बाहर की भी पब्लिक यहाँ पे आ रही है? चूँकि हमारा जो इलेक्शन गोरखपुर परिक्षेत्र का है, तो गोरखपुर के साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया के लोग हमारे यहाँ आते हैं। सर यहाँ पे किस तरीके की पब्लिक जिनके साथ साइबर ठगी होती है, तो किस तरीके की कंप्लेन यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, ये कहना कि किस तरीके की पब्लिक आती है, तो इसमें कोई सर्टेन वो नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं हमारे यहाँ। स्कूलिंग गोइंग बच्चे जो गेम वगैरह खेलते हैं वो भी शिकार हो जाते हैं साइबर अपराध के। जो एज ग्रुप है, जो नौजवान है, वो सेक्सटॉर्शन के शिकार हो जा रहे हैं, हनी ट्रैप के शिकार हो जा रहे हैं, और जो वर्किंग क्लास है वो लॉटरी स्कैम में फंस जाता है, कभी कभी OLX फ्रॉड हो जा रहा है उनके साथ, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ लॉटरी वाले स्कैम हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सर्टेन एज ग्रुप डिफाइन नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। ने देखा दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए और साइबर अपराध के खास तौर पे फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐसी जगह पे या OLX पे अगर कोई OTP आती है तो सबको अपनी OTP मत बताया करिए, और आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और आप बने रहिए निष्पक्ष टुडे के साथ। मैं गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी।